Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aishi Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 6th of July 2020 and we are going to take today's The Hindu News Analysis. Okay, so सबसे पहले जैसा कि आप सभी को बताया हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे गोल से, एक कुछ ऐसी लाइन से जो हमारा दिन बना देती है. तो उसी तरीके से आज हम लेकर आए हैं एक नई लाइन, दैट इज़ द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स. जनरली देखिए, जनरली होता क्या है, हम अपनी लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल्स जो है देख लेते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं, एक नहीं दो नहीं, हर किसी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स जो है, रुकावटें जो है, या हम कर सकते हैं बैरियर्स जो है, वो आते हैं. आप जब सक्सेस की राह पर चल रहे हैं तो आपको बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम कई बार कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उन्हीं पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल्स के अंदर उलझ कर रह जाते हैं. वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका ध्यान फोकस पर जो है वो गोल पर नहीं हो करके और उनके ऑब्स्टेकल्स पर ज़्यादा होता है कि रुकावटें आ रही. तो समथिंग वी हैव टू फॉरगेट कि हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, और जब हम उसे फॉरगेट कर जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल बी देयर ऑन द गोल विथ सक्सेस. ओके, हम अचीव कर लेंगे, वी विल अचीव द गोल. So don't stop with your obstacles, don't focus on your obstacles, just focus on your goals, you will definitely get the success. Okay, so it is all about it. The next we are going to start the analysis. The first news is China doubles down on claims on eastern boundary, Bhutan boundaries. बेसिकली इंडिया, चाइना ने है जो अपना क्लेम डबल डाउन कर दिया है और ईस्टर्न भूटान बाउंड्रीज़ की तरफ जो एरिया है वहाँ पे ये सब जो है क्लेम किया गया है चाइना द्वारा. यू कैन सी हेयर, ये मैप में आप देख सकते हैं, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान के अंदर. तो समवेयर हर जगह पर जो है अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहा है चाइना. अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट देखते हैं हम लोग थोड़ा सा. भूटान एंड चाइना हैव नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बट हैव हेल्ड 14 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स बिटवीन 1984 एंड 1984 से 1984 से लगा के 2016 तक उनके बीच में करीब 24 राउंड्स में जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई है, मतलब उनके बीच में बातें हुई है 24 बार. और ये सारी बातें जो है ये इन्हीं बाउंड्री पर बेस्ड थी, बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो है उन पर बेस्ड थी. बेसिकली उनके बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है. टॉक्स कंसंट्रेटेड ऑन नॉर्थ एंड वेस्ट भूटान रीजन. अब आप सोचेंगे 24 बार क्या बात हुई उनके बीच में, तो 24 बार जो बात हुई उनका पूरा कंसंट्रेशन जो था वो नॉर्थ और वेस्ट भूटान रीजन की तरफ था. ठीक है, ईस्टर्न भूटान नॉट पार्ट ऑफ द टॉक सो फार. ईस्टर्न भूटान जो है वो अब तक जो है कभी भी किसी भी टॉक के अंदर उनका जो है बातचीत का मुद्दा नहीं रहा है चाइना और भूटान के बीच में. साक्तेंग सेंचुरी इज सिचुएटेड क्लोज टू द बॉर्डर विथ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश जो आप देख सकते हैं उसके जस्ट पास में भूटान है, और भूटान और अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है उसके जस्ट पास आता है साक्तेंग सेंचुरी, है ना. इन जून 2020 चाइना अटेम्प्टेड टू स्टॉप UNDP-GEF फंडिंग टू फॉर साक्तेंग बाय क्लेमिंग इट वॉज डिस्प्यूटेड बट वॉज ओवर रूल्ड. ये जो पर्टिकुलर एरिया है साक्तेंग, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई है साक्तेंग, ये जो सेंचुरी है बेसिकली ये सेंचुरी भूटान का एरिया है. ओके, लेकिन चाइना का ऐसा कहना है कि ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया था, मतलब चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया था, इंडिया चाइना भूटान के बीच में ये भूटान का हिस्सा नहीं था और इसे जो है ओवर रूल किया गया है भूटान द्वारा. इसी के चलते इसके अंदर जो UNDP-GEF की फंडिंग होती है वो चाइना ने अपनी तरफ से फंडिंग को बंद कर दिया था. तो ओवरऑल ये डिस्प्यूट अब तक भूटान और चाइना के बीच में रहा है. भूटान और इंडिया का जो फॉर्मली अगर हम कहें डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटेड एरिया है भूटान और इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिलेशंस हैं हमारे बीच में. तो ये जो 699 किलोमीटर्स जो है बाउंड्री वो 2006 के अंदर डेमोक्रेट की गई थी भूटान और इंडिया के बीच. ठीक है,
सो समवेयर वी कैन से कि जो एरिया जो है भूटान अरुणाचल प्रदेश के पास में बॉर्डर, अब देखिए क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि चलिए चाइना और भूटान का डिस्प्यूट है तो इसमें इंडिया का क्या काम है. तो देखिए इंडिया के अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के जस्ट पास वाला एरिया ओवरलैप करने की कोशिश की है, इसको ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, इस एरिया को हथियाने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा. उनके बीच में पहले जो टॉक्स हुई थी उसके मुताबिक ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है भूटान का एरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन चाइना का ये कहना है कि ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया था और इसको ओवर रूल कर दिया गया, लेकिन अब हम इसे ओवर रूल नहीं रहने देंगे. ओके सो और अच्छा, पहले डिस्प्यूट्स रहे हैं भूटान और चाइना के बीच में बॉर्डर्स को लेकर, एरियाज को लेकर, पर वो वेस्ट और नॉर्थ में रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन हमेशा नॉर्थ और वेस्ट की तरफ रहा है. लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि उनका कंसंट्रेशन जो है इस बार ईस्टर्न एरिया के अंदर, ईस्टर्न सेक्टर के अंदर है ना, बाउंड्री डिस्प्यूट क्रिएट किया गया है. सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया. लेट्स सी आगे क्या होता है. ईस्टर्न सेक्टर की बात की है उन्होंने भूटान के साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की. ओके अब आप, मैं इनिशियली ही आपको बता देती हूँ, आपका होमवर्क है कि आप मुझे साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके क्लैशेज स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन आर्मीज अगर हम बात करें तो देखिए ये सारा तो अभी हमने जो पढ़ा वो भूटान और चाइना के बीच जो क्रिएट हो रहा है वो है. लेकिन हम उसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इंडिया और चाइना के बीच में भी इसी तरह के बाउंड्री डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं ना. इसी के चलते हमने अपने 20 जवान भी गवा चुके हैं हम लोग. तो उसी के चलते जो है हम एक बार इसका ब्रीफ टाइमलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या कब कब हुआ. देखिए लास्ट फ्यू ईयर्स से इंडिया और चाइनीज़ आर्मीज़ के बीच में काफ़ी जो है फ्रीक्वेंट हम कह सकते हैं फेस ऑफ देखने को मिला है अनडेमोक्रेटिक बाउंड्री को लेकर. ठीक है बॉर्डर टेंशन जो है काफ़ी दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी पिछले 7 जो है दशकों से हमें देखने को मिल रही है. यू कैन सी ये सारा बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ये यहाँ पे पूरा दे रखा है, मैप दे रखा है, आप देख सकते हैं इसको. अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री भी बताई है यहाँ पे और ये पूरा एरिया बताया गया है ना इंडिया और मैप का लेकर बैकग्राउंड में. हेयर अब देखिए टाइमलाइन देखते हैं, अभी रिसेंट जो डिस्प्यूट्स हुए हैं उसकी टाइमलाइन देखते हैं. सबसे पहले शुरुआत हुई थी 5 मई को, इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स जो थे वो आमने सामने आ गए, उनके बीच में इश्यूज क्रिएट हुए और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत देखने को मिली. पांगोंग त्सो जो लेक है वहाँ पे ये डिस्प्यूट देखने को मिला. ठीक है ये एरिया, इस एरिया के अंदर ये डिस्प्यूट देखने को मिला. ठीक है अब पांगोंग त्सो जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो जो है कहाँ से जाता है, एलएसी से होकर निकलता है. तो पहला जो फेस ऑफ है वो वहाँ देखने को मिला, उसके जस्ट 5 डेज के बाद में 10 मई को एक अगेन फेस ऑफ देखने को मिला. ये था मुगुथांग वैली जो है सिक्किम में, वहाँ पे कुछ ट्रूप्स जो है आमने सामने आ गए जिसमें 11 इंजर्ड हुए, ऑफ विच 7 आर चाइनीज सोल्जर्स, जिसमें से 7 जो है चाइनीज सोल्जर्स जो है वो इंजर्ड हुए और रेस्ट ऑफ द जो 4 पीपल्स थे वो इंडिया के थे. ठीक है वो वहाँ से इफेक्ट हुआ उनको. ठीक है उसके बाद में डिस्प्यूट देखने को मिला 21 मई को, चाइनीज ट्रूप्स जो है वो एंटर कर गई गलवान वैली के अंदर, लद्दाख रीजन के अंदर. ठीक है गलवान रिवर वैली जो है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आकर एंटर कर गई. उनका ऑब्जेक्शन था कि इंडिया जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडियन रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसी के चलते वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो गया. ठीक है दरबुक श्योक दौलत बेग यहाँ से होते हुए एक रोड क्रिएट हो रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस पर डिस्प्यूट क्रिएट किया गया. ओके उसके बाद में डायरेक्ट हमें 24 मई को अगेन डिस्प्यूट देखने को मिला, चाइनीज कैंप एट 3 प्लेसेस, हॉट स्प्रिंग, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 15. ये 3 जगह ऐसी थी गलवान वैली के अंदर जहाँ पे चाइनीज कैंप लगा दिए गए है ना, जिससे कि डिस्प्यूट क्रिएट हुआ. उसके बाद में 15 जुलाई में हुआ, एक इंडियन कर्नल और 19 सोल्जर्स जो है वो मारे गए, वॉयलेंट फेस ऑफ हुआ दोनों के बीच में गलवान वैली में, और उसी के अंदर फिजिकल फाइट्स के चलते जो है ये 20 सैनिकों की
हत्या कर दी गई। तो समवेयर हमने अपना बहुत कुछ गवाया है और अब हम नहीं चाहते कि हम अपना इतने जवानों के शहीद होने के बाद भी उनकी उनके अपने प्राण त्याग देने के लिए इस ज़मीन के लिए, इस देश के लिए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़मीन को जाने नहीं दे सकते। और उसी के बीच जो डिस्प्यूट हमारा चल रहा है चाइना के साथ में, उसी के बीच में चाइना ने भूटान पर भी, देखिए अभी हमने देखा था नेपाल पर भी जो है उन्होंने ओवर रूल करने की कोशिश की थी नेपाल के विलेजेस में, अब वो भूटान के अंदर कर रहे हैं और इंडिया के साथ तो उनका डिस्प्यूट चल ही रहा है। तो समवेयर अगर हम ओवरऑल पॉलिसी की तरफ एक नज़र डालते हैं, ओवरऑल पूरा जो सीन चल रहा है, सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है उस पर अगर नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि चाइना ओवरऑल जो है ओवर रूल करने की कोशिश कर रहा है, चाइना बाउंड्री जो है उसको स्प्रेड करने, खुद की बाउंड्री को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, खुद की डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, खुद के जो खुद की कंट्री को जो है स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, खुद की सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो समवेयर हम कह सकते हैं कि ये चाइना की एक पॉलिसी टाइप सा क्रिएट हो रहा है ना, और उन्होंने वो सारी जगहें लिए जिन पर वो हमला करके या उनको जो है उनसे फेस ऑफ करके और वो चीज़ कर सकते हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसी में उनका एक सिलेक्शन गलत हो गया, दैट इज़ इंडिया। ओके, नेपाल के अंदर जो है ओलीज गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट मच इन्फ्लुएंसिव, सो वो वर्क नहीं कर रहे हैं इतना प्रॉपरली, तो उन्होंने ओवर रूल कर लिया है वहाँ के विलेजेस के ऊपर चाइना ने, लेकिन और अब भूटान पर भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समवेयर इंडिया जो है, इंडिया ये चीज़ नहीं होने दे सकता, इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट मच वीक एट ऑल। ओके, और क्योंकि चाइना जो है वो खुद से इस पर्टिकुलर एरिया के डिस्प्यूट्स को लेकर खुद से नहीं जो है कर पा रहा अकेले से, तो उन्होंने LAC से रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी क्रिएट करवाए हैं इंडिया से, सॉरी पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करते हुए। तो यहाँ LOC से रिलेटेड इश्यूज भी हमारे चल रहे हैं और यहाँ LAC से रिलेटेड चल रहे हैं। तो समवेयर चाइना जो है वो ओवरऑल चारों तरफ से जो है अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को जो है पावरफुल प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो ये जो हमने पढ़ा ये पूरा आर्टिकल इसी पर बेस्ड था। अब नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं, वैक्सीन ट्रायल्स टेक 6 to 9 months, WHO चीफ साइंटिस्ट, WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन हैं, उन्होंने बताया कि कैंडिडेट मस्ट मीट एफिशिएंसी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, बेसिकली डेज आफ्टर द ICMR के जो है ये बताने के बाद कि हम 15 अगस्त को जो है रिलीज़ करने जा रहे हैं, लेटर जो है उन्होंने किया गया पोस्ट उनके द्वारा, फास्ट ट्रैकिंग द ट्रायल प्रोसेस ऑफ भारत बायोटेक्स का ट्रायल प्रोसेस था ये COVID-19 का वैक्सीन। चीफ साइंटिस्ट एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सौम्या स्वामीनाथन ने ये कहा कि इस वैक्सीन को यूजुअली जो है वर्क करने में एटलीस्ट 6 months चाहिए होंगे कंप्लीट होने में, है ना, कोई भी वैक्सीन को कंप्लीट होने में, उसका ट्रायल्स कंप्लीट होने में 6 months चाहिए होते हैं। सो जितने भी लोग हैं कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें जो है उसको एफिशिएंसी देखनी होगी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना होगा। रियलिस्टिक बट वेरी ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ Phase 1 टू द कम्प्लीशन ऑफ Phase 3। Phase 3 कंप्लीट होने आया है COVID-19 का, फर्स्ट Phase 1 से लगा के Phase 3 हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं ट्रायल्स के, एंड कुड बी अबाउट 6 to 9 months, लेकिन ये जो एक टाइम पीरियड होता है एक सक्सेसफुल जो आप अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट से लेकर थर्ड फेज तक, उसे करीब करीब 6 से 9 महीने लग जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल अगर प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है तो ये चीज़ होती है कि एक सक्सेसफुल टेस्ट को, ट्रायल को जो है किसी भी वैक्सीन को करीब 3 phases में अगर कंप्लीट किया जाता है तो वो 6 से 9 महीने ले लेता है। सो इट विल टेक टाइम, जो हमने वैक्सीन की बात कही है कोवैक्सीन, उसको अभी टाइम लगेगा, उस पर वर्क चल रहा है एंड WHO सेड दैट वी विल गो फॉर इट, द ट्रायल्स विल बी डन एंड आफ्टर दैट इट विल बी रिलीज। ओके, जैसा कि हमने कहा कि भाई 15 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा एंड ऑल, तो उन सब के चलते जो है WHO ने, देखिए ICMR अपनी तरफ से जो है ट्रायल्स कर चुका है और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि करीब करीब 15 अगस्त तक लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन जो WHO है उनका ये कहना है कि एक ट्रायल को कम्प्लीट होने में, एक पर्टिकुलर वैक्सीन पर ट्रायल जो होते हैं उन्हें कम्प्लीट होने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं, सो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट इट and the trials will be taken, okay, the trials will be done and we will definitely go for it. The next article is India must not
कास्ट एंकर इन एनरिका लेक्सी. ओके, एज अ गुड इंटरनेशनल सिटीजन द कंट्री हैज एक्सेप्टेड द ट्रिब्यूनल्स अवार्ड. इट मस्ट इंश्योर दैट इटली फुल्ली ऑनर्स इट. ओके, इटली हैज अचीव्ड इट्स बेसिक ऑब्जेक्ट. इटली ने जो अपना बेसिक ऑब्जेक्ट है वो अचीव कर लिया है एनरिका लेक्सी सेंट एंटोनी मैटर्स को लेकर. ऑल थ्रू हिज सॉरी सागा इट वॉन्टेड टू इट्स टू मरीन्स. देखिए ये मरीन का जो इशू इटली के साथ चल रहा है उस पर बेस्ड है ये, है ना. मरीन जो है, मरीन इश्यूज चल रहे हैं इटली और इंडिया के बीच में और अदर एरियाज के बीच में भी. सो उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो इटली क्लियर कर चुका है. इसके बारे में देखिए हम अलग से एक आर्टिकल लेंगे. मैंने इसीलिए गैप भी जो है यहाँ पे किया था जिससे कि मैं और एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ ऐड कर सकूँ. बट हेयर इसको ऐड करने के लिए मुझे एक पूरा 2-3 स्लाइड्स का मैटर चाहिए जिसको अगर यहाँ डिस्कस करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है. तो आपके साथ में एक या दो दिन के अंदर जो है इटली से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो डिस्कस कर लिया जाएगा. ठीक है, सो वी विल गो थ्रू इट. एनरिका लेक्सी क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिससे कि आपका एक फंडा क्लियर हो जाए. जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे एनरिका लेक्सी के बारे में तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. ओके, और उसको कि वो क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएगी तो जब हम इसका लेंगे वीडियो लेंगे इसका डिस्कशन लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी. ओके, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है 3 मैसेजेस एट ले पीएम मोदी हैड डिफरेंट मैसेजेस फॉर इंडिया चाइना एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी. मोदी जी जो है LAC पर गए थे लद्दाख ले वाले एरिया के अंदर और वहाँ जाकर उन्होंने पूरा जायज़ा लिया था, निरीक्षण लिया था और उसी के चलते उन्होंने 3 मैसेजेस ऐसे अलग अलग दिए हैं जो इंडिया चाइना और वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, इन तीनों आस्पेक्ट्स को अगर डिस्कस करें तो इन तीनों आस्पेक्ट्स को अगर एड्रेस किया द स्पीच मस्ट बी वेलकम्ड एंड इट्स अनस्पोकन मैसेज शुड ऑल्सो बी स्टडीड क्लोजली. अगर आप ठीक से उनकी स्पीच को, उनकी बातों को सुनते हैं पीएम मोदी जी की, तो कहीं ना कहीं यू विल डेफिनेटली गेट द अनस्पोकन मैसेज जो डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा लेकिन वो मैसेज आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये मैसेज वो देना चाह रहे थे और उन्होंने दिया है. व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन टू विजिट ट्रूप्स नियर द LAC वॉज वेल टाइम्ड एंड apt, इट ऑल्सो रेज द टेम्परेचर ऑफ द इंडिया चाइना एंगेजमेंट. इंडिया चाइना एंगेजमेंट का जो, या हम कह सकते हैं उनका जो वार्तालाप है उनके बीच में जो चल रहा है उसके टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया है मोदी जी ने. और समवेयर उनका उन्होंने जो विजिट किया है ट्रूप्स के साथ में, जो वहाँ ट्रूप्स पर जो विजिट किया है ट्रूप्स के लिए LAC पर, तो वो जो है एंड इंडिकेट्स दैट मिलिट्री टॉक्स फॉर डिसएंगेजमेंट, मिलिट्री टॉक्स जो है डिसएंगेजमेंट की उसको उन्होंने डिस्कस किया. और उसी के साथ में द डिस्पर्सल ऑफ द मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स एंड बोथ साइड्स हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस. इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स के अवेलेबल होने के बाद, इतने वार्तालाप के बाद में भी कुछ बहुत पॉजिटिव जो है साइन सामने नहीं आया है. द कॉन्ट्रास्ट इन हिज टोन फ्रॉम जस्ट 2 weeks अगो व्हेन ही रीअश्योर द नेशन दैट नीदर हैज़ एनीवन ट्रांसजेंडर्ड और नॉर इज एनीवन इनसाइड इंडियन टेरिटरी. ओके, इंडिया indicates that the situation is far more serious than was previously understood. जैसा हमने पहले जो है मामला और मुद्दा जो देखा था हमने, उसको देखते हुए अगर अभी जो है उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पर अगर गौर फरमाया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो मुद्दा है, जो कंडीशन है अभी इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट्स को लेकर बॉर्डर पे, वो बहुत अच्छी नहीं है. और जितना लाइटली हम उसे पहले ले रहे थे, जितना ईजी हम उसे पहले समझ रहे थे, अब वो इतना ईजी नहीं है. इट इज़ टू बी होप्ड दैट द गवर्नमेंट विच हैज़ दस फार नॉट गिवन द नेशन द फुल पिक्चर ऑन वॉट हैज़ हैपन्ड. क्योंकि देखिए पूरा जो सिनेरियो है उसकी क्लियर पिक्चर जो है नेशन को नहीं दिखाई जा रही है और मतलब लोगों को नहीं पता बताया जा रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है एंड वॉट द नेशन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर. और नेशन को किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, आमजन को किस चीज़ के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, विल डू सो नाउ. अब वो चीज़ क्लियर की जाएगी एंड डेफिनेटली आगे भी पीएम मोदी जी के जो मैसेजेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है क्लैरिफाई करते हैं. ये जो उन्होंने जो मैसेज दिया है लेह में वो कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करता है कि वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर फर्दर एक्टिविटीज़. ओके,
सो समवेयर अगर हम बात करें जो तीन मैसेजेस दिए गए हैं उनके द्वारा, उन तीनों मैसेजेस जो है उनका पूरा अगर क्लियर एक ओवरव्यू लिया जाता है तो हमें समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका मैसेज इंडिया को भी था, उनका मैसेज चाइना को भी था और उनका मैसेज वर्ल्ड कम्युनिटी लेवल पर भी था। सो समवेयर जो उनकी बातों को समझना चाहता है या उनकी स्पीच को समझता है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपनी इस बात के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने क्लियर किया है। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द थ्री मैसेजेस ऑफ मोदी जी। एंड अगर आपको जो है अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप उसके बारे में पढ़िए, वैसे बिल्कुल क्लियर फंडा है, उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए। अच्छा, ये तीन मैसेजेस क्या हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, जिससे कि आपके मुझे पता चले कि आपके फंडा क्लियर हैं या नहीं और मुझे किस लेवल पर इस आर्टिकल को डिस्कस करना है। ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल वी आर टेकिंग इज श्योरली इवन इफ स्लोली, होगा ज़रूर, भले ही टाइम लगेगा, धीरे होगा। देर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19, COVID-19 के अगेंस्ट जो है अर्जेंट हमें वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन अभी ये क्योंकि अभी तैयार नहीं हुई है, अभी प्रिपेयर नहीं हुई है, तो समवेयर अगेन जो है मतलब उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, उस पर जितने भी जो भी हो सकता है वो उस सब पे वर्क कर रही है ICMR। लेटर बाय द एजेंसीज हेड, एजेंसी के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव ने जो है लेटर दिया था लास्ट वीक डॉक्टर्स को कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स ले रहे हैं वैक्सीन पे, एंड प्रिपेयर्ड फॉर टू बी कोर्सिंग दैट देम इनटू गेटिंग अ वैक्सीन रेडी बाय 15th August। उन्होंने सबसे ये भी कहा था कि 15th August तक जो है ये वैक्सीन रेडी हो जाएगी। आफ्टर पब्लिक अप्रोव दी एजेंसी क्लैरिफाइज दैट इट्स इंटेंट वॉज टू इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी गिवन द पेंडेमिक एंड दैट देयर वॉज नो प्लान टू डेविएट फ्रॉम द रूल। मैं आपको बता दूँ कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो ये 15 अगस्त की डेट आई थी उस पर काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिला, पब्लिक ने काफ़ी डिस्प्यूट किया कि जब ट्रायल्स हो गए हैं तो उससे पहले क्यों नहीं रिलीज किया, 15 अगस्त कोई इनॉग्रेशन डेट क्यों मानी गई है। तो ऐसा जो है ICMR का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये इसी डेट को जो है लोगों पर अप्लाई किया जाएगा, डॉक्टर्स को हम ऑलरेडी लेटर्स दे चुके हैं कि इनको ट्रायल्स को ह्यूमंस पर ट्रायल्स स्टार्ट कर देना होगा इन वैक्सीन्स के थ्रू, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी और उसी के साथ में लोगों को इससे फायदा भी होगा। और जो 15 अगस्त की जो डेट दी गई थी उसको क्लैरिफाई करते हुए जो बलराम भार्गव हैं जो कि हेड हैं ICMR के, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ हमने एक रिबन कटिंग, रेड रिबन को कटिंग की सेरेमनी के रूप में ऑर्गेनाइज किया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी इसके ट्रायल्स जो है स्टार्ट हो गए हैं और ह्यूमंस पर भी जल्दी ही हम इसके ट्रायल्स स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। तो हम श्योरली कह सकते हैं कि वैक्सीन रेडी ज़रूर हो जाएगी, हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन इट विल वर्क। एंड इंडिया का इस तरह की वैक्सीन आउट करना, कोवैक्सीन जो है इसे ये एक बहुत बड़ा रिमार्केबल हम कह सकते हैं एक इनोवेशन है इंडिया का। द हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक जो है उन्होंने कोवैक्सीन को बनाया है और इस पर वर्क कर रहे हैं, है ना। तो अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छे वैक्सीन्स ऑलरेडी जो है भारत बायोटेक से आए हैं पहले भी, और इस तरह का वैक्सीन आउट होना ग्लोबल लेवल पे इंडिया की प्रेस्टीज या रेपुटेशन को अपवर्ड्स लेकर जा सकता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज़ री एनफ्रेंचाइज द फॉरगॉटन वोटर, देयर मस्ट बी अ पॉलिटिकल विल टू अशर इन अ वन नेशन वन वोटर ID टू इंश्योर बैलेट प्रोबेबिलिटी। देखिए, बैलेट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर अगर हम बात करें, उसे इंश्योर करने के लिए वन नेशन वन वोटर ID का जो फॉर्मूला है उसे पॉलिटिकली आगे लाना होगा, होना चाहिए पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर। तो री एनफ्रेंचाइज करने की ज़रूरत है एक फॉरगॉटन वोटर को। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है उससे रिलेटेड ये मैटर है। COVID-19 के दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने एक पॉसिबल सीनियर सिटीजन जो है 65 या उससे ऊपर के लोगों के लिए पोस्टल बैलेट जो है उसे उसका निर्माण किया है, गिवन दैट दे आर एट ग्रेटर रिस्क फ्रॉम। देखिए, अब जो इलेक्शंस होंगे या हुए हैं COVID-19 के इस दौर में, तो उसके लिए 65 प्लस लोगों को सबसे ज़्यादा COVID-19 का खतरा रहता है। उसी के चलते जो है उन्होंने जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पोस्टल बैलेट की जो है सुविधा उपलब्ध करवाई है, उसी के थ्रू ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो वोट दे सकते हैं।
तो उसी पर बेस्ड है कि ये आर्टिकल उसी को बताता है हमारा जो वोटर सिस्टम है या वोटर पूरा फ्रेंचाइजीज जो अवेलेबल हो रखी है वोटर सिस्टम पे बेस्ड, और COVID-19 क्राइसिस का उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या पड़ेगा, या आने वाले टाइम में किन सिक्योरिटी मेजर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई हैं। और क्या ऐसी संभवतः सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है लोगों को जिससे कि COVID-19 के इस क्राइसिस से बाहर होते हुए जो है इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। एक मॉडल पेश किया जाना चाहिए, उस मॉडल की भी बात यहाँ पे की गई है, और मॉडल के आधार पर जो है पूरा सिस्टम फॉर्म होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पर बेस्ड बताई गई है कि सरकार का क्या रोल है, सरकार किस तरीके से COVID-19 को मैनेज कर रही है, और COVID-19 को मैनेज करते हुए कैसे इलेक्शन कमीशन ने जो है वन नेशन वन वोटर ID कार्ड की तरफ अपना ध्यान जो है आकर्षित किया है, और उसी के साथ में 65+ लोगों के लिए जो बैलेट जो है पोस्टल बैलेट का सिस्टम स्टार्ट किया गया है, तो वो भी एक अपने आप में नया इनोवेशन है। इस तरीके के मॉडल्स अगर पेश करती है सरकार कि जिससे कि सिक्योरिटी मेजर्स और पॉलिटिकल ढांचा जो क्वेश्चन मार्क में खड़ा रहता है या हम कह सकते हैं कटघरे में खड़ा रहता है हमेशा, उससे कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ओके, नए मॉडल्स के थ्रू एक नया जो है सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटमोसफेयर या क्लियर पॉलिटिकल ओवरव्यू क्रिएट करता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। ये CR केशवनन एंड MV राजीव गोवड़ा की आर्टिकल था, उनके व्यूज़ थे। ठीक है, और अगर हम बात करें CR केशवन की, तो CR केशवन जो है वो फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं प्रसार भारती बोर्ड के। MV राजीव गोवड़ा की अगर बात करें तो वो मेंबर रह चुके हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड चेयरमैन ऑफ कांग्रेस पार्टीज रिसर्च डेवलपमेंट। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। सो हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए हैं, एक आर्टिकल्स जिसे हमने आर्टिकल को ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस किया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं ले पाए हम उसका, तो वो आर्टिकल है इटालियन जो पूरा सिनेरियो है उस पर बेस्ड आर्टिकल है ये, है ना। सो एनरिका फ्लेक्सी को लेकर हमने एनरिका लेक्सी को लेकर हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड ये जो पूरा इशू है या ये जो सारा इटली से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है इसे हम एक अलग से जो है मैटर के अंदर डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इसे इस पर्टिकुलर PPT में या इस पर्टिकुलर वीडियो में लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि इस पर्टिकुलर स्लाइड को जो है आप पढ़िए, इस आर्टिकल को आप पढ़िए, यू विल गेट द आइडिया एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय मॉर्निंग में। एंड ऐसे देखिए एक क्वेरी एक जो है प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि मैं जल्दी मैम जो है अपलोड कीजिए, तो देखिए समवेयर आई नो इट इज़ कंपल्सरी टू अपलोड जल्दी, जिससे कि अर्ली जितना जल्दी होगा जितना अर्ली हम लोग अपलोड करेंगे वीडियो को उतना जल्दी आपको जो है इजी हो जाएगा न्यूज़ एनालिसिस में। बट हेयर इट इज़ अ थिंग दैट वी हैव सम लिमिटेशंस, इट मींस एज अ ह्यूमन हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है, और मॉर्निंग में एनालिसिस जो हम ले रहे हैं यहाँ पे उसे खुद एनालाइज करना न्यूज़पेपर को, उसके बाद में उसे प्रिपेयर करना, एक मैटर रेडी करना जो आपके लिए बेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए मैटर रेडी करते हुए PPT प्रिपेयर करना और फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अर्ली से अर्ली जो है 6:30-7 o'clock तक प्रोवाइड करवा दूँ वीडियो, लेकिन फिर भी अगर कभी लेट हो जाता है तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल निराश हो जाएं, आप हम बिल्कुल आपके साथ हैं। एंड ऑलवेज गो अहेड एंड वी आर हेयर, आई एम हेयर विथ यू, सो डोंट बी सो डिप्रेस्ड एट ऑल, आई एम हेयर विथ यू एंड वी विल डेफिनेटली डिस्कस द बेस्ट न्यूज़ हेयर ओनली। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।